ये तकरीबन 1983 में जब ये खानपुर डैम लगा उसकी सेम जो है ना निकलने लगी इस खानपुर डैम के मुख्तलिफ एरियों से, उसको इकट्ठा पानी को करके हम लोगों ने, मेरे वालद साहब ने जो है ये जंदर की जो बनाया है, ये जंदर जिसे पनचक्की कहते हैं मुकामी ज़बान में, हम जंदर कहते हैं, 1983 में इसको बनाया है और तकरीबन 1987-88 में वालद साहब जो हैं वो एक हादसे में फोत हो गए। उसके बाद मुख्तलिफ लोग यहाँ पे रहे, चलाते रहे, मुख्तलिफ बंदों को रखे रखा हम लोगों ने। तकरीबन यही 2010 से मैं तकरीबन इस पर खुद आ गया हूँ, अब चला रहा हूँ इसे, सब सारा काम मैं खुद ही करता हूँ, इसको ठीक करता हूँ, इसको जितना भी जो कुछ भी होता है मैं खुद करता हूँ। अब तकरीबन 5-7 साल हो गए हैं मैं खुद ही कर रहा हूँ। डैम से ना एक छोटी सी नहर निकाली जाती है जहाँ पर जिस जगह पर फसलें वगैरह हों उन जगहों पर, ताकि फसलों को पानी दे सकें यहाँ से। तो यहाँ पर कोई चश्मा है, उसको सेम कहते हैं, डैम की सेम कहते हैं ना, वहाँ से ये पानी आ रहा है। और जब ये ओवरफ्लो हो जाता है तो ये जो झील बनाई हुई है इन्होंने थोड़ी सी, ये इसमें चलना शुरू कर देता है, और अगर ओवरफ्लो ना हो तो ये ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है। और ये आगे फसलों तक सारा चलता रहता है बीच में, जिस जिसने पानी लेना होता है इसके अंदर अपनी मोटरें वगैरह फेंक के या थोड़ा सा इसमें कोई आड़ वगैरह लगा के तो अपनी फसलों को पानी दे लेता है। अब ये यहाँ से पानी आ रहा है और यहाँ से हम शुरू करते हैं चलना, तो आप देखते जाएँ कि ये हमें जंदर तक ले जाएगा। और इसी पानी का इस्तेमाल, इसी पानी को गुजारा गया है जंदर से, और जंदर चलता है वहाँ से, और फिर उधर से पानी आगे इसी तरह ही चलता रहता है और आगे फसलों को चला जाता है। आगे शायद और भी किसी ने कोई जंदर वगैरह बनाया होगा, लेकिन हम इसी को ही देखेंगे और यहाँ तक आपको सारा प्रोसेस दिखाएंगे कि किस तरीके से इस पानी का इस्तेमाल किया जाता है चक्की को चलाने में। हम इस नहर के साथ साथ चल रहे हैं, नहर तो नहीं कहते इसको, छोटा सा नाला ही कहते हैं जो इस्तेमाल होता है फसलों को पानी देने के लिए। इसके साथ साथ हम चल रहे हैं और देखते हैं कि ये किस तरीके से चक्की को घुमा रहा है। यहाँ पर इस जो नाला है इसके पास घर होने का क्या फ़ायदा है? अब ये देखें कि इन घर वालों ने यहाँ पर बोर की मोटर फेंकी हुई है, और सारी ज़िंदगी सदाबहार जब तक ये नाला यहाँ से चल रहा है ये यहाँ से पानी इस्तेमाल करेंगे और ज़िंदगी भर इनको पानी की कभी भी किल्लत नहीं होगी। और आगे चलते हैं, यहाँ से इसने टर्न ले लिया और
ये टर्न लेके सीता जो है यहाँ पर जा रहा है जहाँ पर हमारी चक्की है। ओके, अब चक्की की तरफ चलते हैं और आपको दिखाता हूँ कि ये पानी का फ्लो बना के, यहाँ से इसका फ्लो बनाया गया, एक मोड़ दिया गया पहले इसको, थोड़ा सा पानी मोड़ से तेज़ हो जाता है, उसके बाद यहाँ पर एक ढलान बनाई गई है ताकि पानी का जो प्रेशर है वो थोड़ा सा तेज़ हो। अच्छा, आगे दिखाने से पहले मैं आपको ये भी बता दूँ कि यहाँ पर देखें दो रास्ते बनाए गए, एक ये रास्ता है और एक ये वाला रास्ता। इस रास्ते को भी बंद किया गया है कोई लकड़ी का पीस लगा के। जब चक्की को नहीं चलाना होता और वहाँ पर ज़रूरत नहीं होती पानी की, तो पानी का फ्लो रोकते हैं उस जगह से और ये जो लकड़ी यहाँ पर लगी हुई है इसको उठाकर इस जगह पर लगा देते हैं। यहाँ से पानी रुक के इस तरफ को चलना शुरू हो जाता है और वो चक्की की तरफ नहीं जाता, डायरेक्ट नाले की तरफ चला जाएगा। इस तरीके से ये स्टार्ट और स्टॉप होती है। अच्छा, अब क्योंकि चक्की चल रही है तो हम इसी को फॉलो करेंगे और यहाँ से देखें कितना इसका फ्लो बनाया गया है और यहाँ से आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ आ रही है। इसमें जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो ये है कि आप इसका जो ये पानी की हाइट चाहिए ज़्यादा, ताकि पानी का प्रेशर बन सके और वो उसको पंखे को घुमा सके, ठीक है। और बाकी अब आपको मैं नीचे जा कर बता सकता हूँ कि पंखा कैसा लगा हुआ है या कैसे चलता है। ये यहाँ पर सिर्फ प्रेशर जनरेट हो रहा है, यहाँ पर प्रेशर जनरेट हो रहा है बस। पानी के अंदर ऐसा पंखा लगा हुआ है जिसको पानी अपने प्रेशर से जो है ना घुमाता है, और इसमें से एक राड ऐसे लगी हुई लोहे की ना फिट हुई है इसके अंदर बिल्कुल ऐसे, ठीक है, जो ऊपर आ रही है ऊपर वाले पार्ट को घुमाने के लिए। इसके ऊपर टीन वहाँ एक लोहा लगा होता है यहाँ पे, जो ऊपर वाले उसके चक्की के पार्ट को घुमाती है और उस फिर आटा बनना शुरू हो जाता है जी। ये जो इसका जो दाने होते हैं ना, इसको एक स्केल के हिसाब से इसके अंदर जाना चाहिए। ये इसको दाने को कम या ज़्यादा करने के लिए ये चीज़ इस्तेमाल होती है। ये घुमा के इस तरफ घुमाएंगे तो कम हो जाएगा, इस तरफ घुमाएंगे तो दाना ज़्यादा होगा, और ये चीज़ इसके अंदर वाइब्रेशन पैदा कर रही है ये चीज़ लकड़ी, ये लकड़ी, ठीक है, उस वजह से ये दाना नीचे गिरता है। इसमें इसका इतना ही है बस, इसके ऊपर लगती रहती है मुसलसल वाइब्रेशन पैदा होती रहती है और ये दाना आहिस्ता आहिस्ता अंदर सरक सरक के आता रहता है। और ये चीज़ इसके अंदर जो है ना, ये जो है इसके अंदर इसका किरदार ये है कि ये वो जो पंखा लगा हुआ है उसके नीचे इसके इससे फिट करके लाए हुए हैं हम लोग। इसको यहाँ से उठाएंगे तो ये इसकी रेस का काम करती है, ठीक है ना। अच्छा। स्पीड ज़्यादा कर देती है, इसको ऐसे उठाएंगे इसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, और आटा मोटा कर देगा, ये दल कर देगा। इसके अंदर गैप को एक जो है ना, दोनों पार्ट के अंदर गैप को जो है मेंटेन करने के लिए ये चीज़ है, ठीक है। आटा दानेदार हो जाएगा अगर इसको स्पीड तेज़ करेंगे तो। दल्ले बना देगा, दल बना देगा आटे को, इसकी स्पीड तेज़ करेंगे तो दल बना देगा, आटा नहीं रहेगा फिर वो मुर्गियों के लिए टूटे हुए दाने बस ऐसे होगा। आटा बनाना है तो इसको एक लेवल के हिसाब से चलना होगा कि आटा बनता रहे, ज़्यादा ऊपर नहीं उठा सकते आटे के लिए, क्योंकि आजकल की जो चक्कियाँ हैं जो मिलें लगी हुई हैं उनमें कई सारे छानने लगे होते हैं, वो तो उसमें से निकाल देते हैं ना बहुत कुछ। हाँ, आपका उसमें से ये मैदा निकल जाएगा, फिर उसके अंदर से सूजी निकलेगी, फिर उसके अंदर से चोकर निकल जाएगा, बाकी पीछे
बस जो रह जाएगा वो लोग खाएंगे। हाँ भैया, उसमें कुछ भी नहीं रहेगा, इसकी पूरी गजाइयत जो है ना, इसकी जितनी भी है वो इसके अंदर मौजूद है, आटे के अंदर। ये मकई का आटा है, बिल्कुल मकई का आटा है। यहाँ पे लोग गंदम और मकई लेके आते हैं ज़्यादा, जो हम लोग पीसते हैं ज़्यादातर यही आती है, मकई और गंदम आती है। अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ आ जाए, चावल आए, चीनी आए, कुछ भी आ जाए, दालें आ जाएं, बेसन बनाना हो, कुछ भी हो, हम लोग पीस के देते हैं। ये हम बिल्कुल अब चक्की के नीचे आ गए हैं, उस रूम के नीचे जहाँ पर चक्की चल रही है। उधर से नीचे अगर आप देखें तो पानी का प्रेशर आप चेक करें कितना तेज़ है। जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ पर दो रास्ते निकाले जाते हैं, एक इस एरिया में चक्की है, अभी चक्की चल रही है तो यहाँ से पानी आ रहा है। अगर चक्की ना चल रही होती तो ये जो सुराख आपको नज़र आ रहा है, ये जो एरिया नज़र आ रहा है, इस एरिया से पानी आता है। चालीस किलो गंदम पीसने में तकरीबन 35 मिनट लगते हैं। इसकी पीसने की स्पीड थोड़ी स्लो होती है, जिस वजह से इसमें तो तकरीबन इसका आटे में आटे का मज़े का होता है खाने में। मशीनें जो हैं वो तकरीबन 7 मिनट में पीस देती हैं ये 40 किलो, 7 से 5 से 7 मिनट में पीस देती हैं 40 किलो।